नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मेरे चैनल स्टॉक मार्केट एनालिसिस पर स्वागत करता हूं। और जैसे कि कल आज के लिए मैंने कुछ वीडियो दिया था जिसमें आपको कुछ लेवल्स मैंने एनालिसिस किए थे। जितने लोगों ने कल का वीडियो देखा होगा उनको पता होगा कि मैंने जो लेवल्स दिए थे वो लेवल्स अचीव हुए हैं या नहीं हुए हैं, क्योंकि मैं कभी भी प्रीवियस डे का वीडियो के हिसाब से मैं एनालिसिस नहीं करता, क्योंकि आपको कुछ मुझे कुछ आपको प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इससे पहले काफ़ी सारे लोगों को पता है, जो लोग रेगुलर वीडियो देखते हैं उनको पता होगा। क्योंकि मैं जो लेवल्स देता हूँ अगर 100% अचीव नहीं होते हैं तो 95 से लेकर 98% अचीव हो जाते हैं। कभी कभी 90% जाते हैं वो अलग बात है। ऐसा नहीं है कि ऐसा कुछ दिन नहीं किया जिस दिन आपको मैंने जो टारगेट दिया होगा वो टारगेट अचीव नहीं होता है। एनीवे हम लोग प्रीवियस डे का कुछ बात नहीं करेंगे, डायरेक्टली चलते हैं कल के लिए। कल वीकली एक्सपायरी के साथ साथ मंथली एक्सपायरी है, तो एक चीज़ आप लोग ज़रूर ध्यान पे रखिएगा, कल इंट्राडे के अंदर काफ़ी सारे स्टॉक्स में आपको थोड़ा वोलेटिलिटी देखने को मिल सकता है, क्योंकि कल मंथली एक्सपायरी है। वीकली निफ्टी बैंक निफ्टी का जो वीकली एक्सपायरी के साथ साथ आपको स्टॉक्स के फ्यूचर एंड ऑप्शंस के आपको मंथली एक्सपायरी है, तो आपको थोड़ा वोलाटिलिटी आपको देखने को मिल सकता है। तो ये चीज़ आप लोग ज़रूर ध्यान पे रखिएगा। साथ ही साथ जो भी लेवल्स मैंने दिए थे सारे अचीव हुए हैं, तो कल के लिए देखेंगे कल कौन से लेवल पर आप ट्रेड कर सकते हो। कल के लिए एक चीज़ आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि आप लोग टारगेट में जो टारगेट बताऊंगा उससे पहले अपना प्रॉफिट बुकिंग करने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि कल आपको हो सकता है वो टारगेट अचीव होने में थोड़ा दिक्कत आ सकता है, क्योंकि कल वीकली एक्सपायरी के साथ साथ मंथली एक्सपायरी है, तो थोड़ा वॉलाटिलिटी आपको देखने को मिलेगा जिस कारण आपको टारगेट हिट होने में थोड़ा प्रॉब्लम दिखाएगा। तो जो भी है अपना प्रॉफिट आपको लेके एग्जिट करना है। तो डायरेक्टली चलते हैं डीएलएफ के ऊपर। डीएलएफ के ऊपर पहले हम लोग देखेंगे कल के लिए सपोर्ट रहेगा 307.75 पैसा। याद रखिए ये ऑलमोस्ट डीप में आ चुका है, डीप जोन में आ चुका है, 307 के आसपास ये अभी है। अगर आप लोग इसको 307.75 पैसे के नीचे सस्टेन करता है तभी आप इसको सेल कर सकते हो। पहला टारगेट रहेगा 303 और उसके नीचे चलता है तो दोबारा आप सेल कर सकते हो। 300 का एक राउंड लेवल रहेगा। अगर जिस दिन ये 300 का राउंड लेवल नीचे ब्रेक करता है 396.65 पैसे तक भी आपको टारगेट देखने को मिल सकता है। ध्यान पे रखिएगा 307.75 पैसा का सपोर्ट रहेगा आपका डीएलएफ में। 307.75 पैसे के नीचे सस्टेन करता है तभी सेल करना है। पहला टारगेट रहेगा 303, दूसरा रहेगा 300, तीसरा रहेगा 296.65 पैसा। रेजिस्टेंस की अगर बात कहूँ रेजिस्टेंस रहेगा 313 का रेजिस्टेंस है। जैसे ही रेजिस्टेंस के ऊपर चलने लगता है आप लोग बाय कर सकते हो। पहला टारगेट रहेगा 318.25 पैसा। 318.25 पैसे के ऊपर चलता है 323.50 पैसा। 323.50 पैसे के ऊपर चलता है 328.80 पैसा। याद रखिए अगर डीएलएफ 313 के ऊपर सस्टेन करता है आप लोग बाय कर सकते हो। पहला टारगेट रहेगा 318.25 पैसा, उसके ऊपर भी चलता है 323.50 पैसा, उसके ऊपर चलता है 328.50 80 पैसा। जो भी सपोर्ट रेजिस्टेंस थे मैंने क्लियरली आपको बता दिया हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके रखिएगा, सो दैट इन फ्यूचर कुछ भी वीडियो अपलोड करता हूँ आपको पता चले और आप लोग उसी हिसाब से ट्रेड आप मार्केट में ले सकते हो। उसके साथ साथ गाइस किसी को भी अगर लर्निंग की ज़रूरत है, अगर आप लोग सीखना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन पे ईमेल आईडी है, आप उस ईमेल आईडी पर आप मुझे मेल करिए, आपको ट्रेनिंग की सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। उसके साथ साथ किसी को भी अगर फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, डिस्क्रिप्शन पे एक मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया हूँ, वहाँ पर काफ़ी सारे ट्रेड मैं देता हूँ। अगर आप लोग चाहते हो तो फ्री में लेना चाहते हो तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिए, वहाँ पर टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा आपको। चलिए नेक्स्ट आपका रहेगा टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स के ऊपर भी थोड़ा बहुत हम लोग अभी देखेंगे लेवल्स। टाटा मोटर्स जैसे कि आज के लिए भी कुछ लेवल्स दिया था, अगर आप लोग चाहते हो तो क्रॉस क्रॉस वेरीफाई करने के लिए आप लोग आज का आज मार्केट में क्या हुआ है उसको अगर जानना चाहते हो, कल मैंने जो एनालिसिस किया था वो 100% है या नहीं, कितना परसेंट एक्यूरेसी है, अगर आप देखना चाहते हो तो जाके कल का वीडियो आप चेक कर सकते हो। और वहाँ पर मैंने एनालिसिस करके बताया था कौन से लेवल्स पर आप ट्रेड कर सकते हो, वो सारा चीज़ वहाँ पर है, तो आप लोग चेक कर सकते हो कि मार्केट ने एग्जैक्टली हमारे लेवल्स के हिसाब से ट्रेड हुआ है या नहीं हुआ है, वो आप देख सकते हो। तो कल कल के लिए टाटा मोटर्स के ऊपर देखेंगे। टाटा मोटर्स का सपोर्ट रहेगा
41345 पैसा। जी हाँ, 41345 पैसा का सपोर्ट है कल के लिए। अगर सपोर्ट के नीचे सस्टेन करता है, आप लोग सेल कर सकते हो। पहला टारगेट रहेगा 410, दूसरा रहेगा 405, तीसरा रहेगा 396.20 पैसा। याद रखिए, अगर टाटा मोटर्स 41345 पैसे के नीचे सस्टेन करता है, आप सेल कर सकते हो। पहला टारगेट रहेगा 410, दूसरा रहेगा 405, तीसरा रहेगा 396.20 पैसा। अगर रेजिस्टेंस की बात कहा जाए, रेजिस्टेंस रहेगा 41735 पैसा। जैसे ही 41735 पैसे के ऊपर सस्टेन करता है, आप लोग बाय कर सकते हो। पहला टारगेट रहेगा 421.20 पैसा, दूसरा रहेगा 425, तीसरा रहेगा 429। याद रखिए, अगर टाटा मोटर्स 41735 पैसे के ऊपर सस्टेन करता है, आप लोग बाय कर सकते हो। पहला टारगेट रहेगा 421.20 पैसा, दूसरा रहेगा 425, तीसरा रहेगा 429। जो भी सपोर्ट रेजिस्टेंस है मैंने क्लियरली बता दिया हूँ, नोट करके आप लोग ट्रेड कर सकते हो। चलिए, नेक्स्ट आपका रहेगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। SBI के अंदर भी अभी थोड़ा थोड़ा बचा है, तो हम लोग ये प्लान कर सकते हैं। जैसे कि हमने कल प्लान किया था कि 450 तक आ सकता है, बट 452 तक आके इसने करीबन हमारा टारगेट से 2 रुपये ऊपर रह गया। तो इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ कि हर वक्त अपना प्रॉफिट जो है ना, टारगेट से पहले बुक करने की कोशिश करिएगा और सीखिएगा, क्योंकि ये आपको काफ़ी हद तक हेल्प करता है। तो चलते हैं डायरेक्टली SBI के ऊपर। सपोर्ट रहेगा 450, मैं 450 का ही सपोर्ट दूंगा। 450 के नीचे अगर सस्टेन करता है, डायरेक्टली सेल कर सकते हो। पहला टारगेट रहेगा 444, दूसरा रहेगा 439.75 पैसा। याद रखिए, अगर SBI 450 के नीचे सस्टेन करता है, डायरेक्टली सेल कर सकते हो। पहला टारगेट रहेगा 444, उसके नीचे चलता है 439.75 पैसा। अगर रेजिस्टेंस की बात कहूँ, रेजिस्टेंस आपका मिलेगा 454.20 पैसा, जहाँ पर इसने क्लोजिंग किया है उसी के थोड़ा ऊपर। 454.20 पैसा के ऊपर सस्टेन करने पर बाई कर सकते हो। पहला टारगेट रहेगा 458.25 पैसा, 464.45 पैसा। याद रखिए, 454.20 पैसा के ऊपर सस्टेन करने पर बाई करिए। पहला टारगेट रहेगा 458.25 पैसा, दूसरा टारगेट रहेगा 464.45 पैसा। तो गाइज, एक चीज़ दोबारा निवेदन करना चाहता हूँ, प्लीज़ वीडियो को स्किप मत करिए, शुरू से आखिर तक ज़रूर देखिएगा। अगर पसंद आता है वीडियो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। इतने दिन से इतने बार बार बोल रहा हूँ कि वीडियो लाइक करने के लिए, और काफ़ी सारे लोग अभी भी वीडियो देख रहे हैं जो कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं। गाइज, अगर आपको पसंद आता है ना वीडियो, अगर आपको लगता है कि कल मार्केट में अच्छा खासा काम हो रहा है, तो आप लोग चैनल सब्सक्राइब करके रखिए। इन फ्यूचर काफ़ी सारे वीडियोस आपको देने वाला हूँ, और आगे मंडे से हम लोग यूट्यूब लाइव जाने वाले हैं। अगर आप लोग चाहते हो तो यूट्यूब लाइव ज्वाइन करने के लिए, तो सब चैनल को पहले सब्सक्राइब करके रखिएगा। चलिए, नेक्स्ट आपका रहेगा अशोक लेलैंड। अशोक लेलैंड ने काफ़ी हद तक हमारा टारगेट तो हिट किया, बट हमने प्लान किया था 44-45 के आसपास का, बट 43 से ही इसने नीचे आना स्टार्ट हो गया। हमारा जो रेजिस्टेंस के ऊपर ये सस्टेन नहीं कर पाया ज़्यादा देर। चल नेक्स्ट देखते हैं, और अशोक लेलैंड क्या हो सकता है कल। 138.35 पैसा का सपोर्ट है। अगर अशोक लेलैंड 138.35 पैसा के नीचे सस्टेन करता है, आप लोग सेल कर सकते हो। पहला टारगेट रहेगा 137, दूसरा टारगेट रहेगा 135.40 पैसा, तीसरा रहेगा 140 133। याद रखिए, अगर अशोक लेलैंड 138.35 पैसे के नीचे सस्टेन करता है, आप लोग सेल कर सकते हो। पहला टारगेट रहेगा 137, दूसरा रहेगा 135.40 पैसा, तीसरा 133 तक भी आ सकता है, 132.95 पैसा है। और रेजिस्टेंस की बात अगर कहूँ, 140.65 रुपीज़ के ऊपर अगर अशोक लेलैंड सस्टेन करता है, बाई कर सकते हो। पहला टारगेट रहेगा 143, दूसरा रहेगा 145.30 पैसा, नेक्स्ट टारगेट रहेगा 147.65 पैसा। दोबारा बता देता हूँ, 140.60 रुपीज़ के ऊपर अगर सस्टेन करता है, तभी बाई कर सकते हो अशोक लेलैंड को। टारगेट रहेगा 143, दूसरा रहेगा 145.30 पैसा, तीसरा रहेगा 147.65 पैसा।
तो सारे लेवल्स बता दिया हूँ, ध्यान से लेवल्स नोट करके ट्रेड करिएगा। चलिए नेक्स्ट आपका रहेगा टाटा स्टील। देखिए टाटा स्टील में कंटिन्यूसली हमने जो टारगेट आपको दे रहा हूँ वो टारगेट आपको यहाँ पर अचीव होते हुए देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं टाटा स्टील को मुझे लगता है अगर ये कल 990 का लेवल अगर क्रॉस नहीं करता, 91 का लेवल अगर डाउन साइड क्रॉस नहीं करता है, तो थोड़ा यहाँ पर 1050, 1030, 40 तक आने की उम्मीद हम लोग थोड़ा बहुत कर सकते हैं। तो डायरेक्टली चलते हैं लेवल्स के ऊपर और एक बार चेक कर लेते हैं। टाटा स्टील का सपोर्ट रहेगा आज का डे लो 991.80 पैसा। याद रखिए अगर 991.80 पैसा के नीचे टाटा स्टील सस्टेन करता है आप लोग सेल कर सकते हो। पहला टारगेट रहेगा 983.6 और उसके नीचे भी चलता है 962। याद रखिए अगर टाटा स्टील 991.80 पैसा के नीचे सस्टेन करता है 983 पहला टारगेट, दूसरा टारगेट 982 भी आप पकड़ सकते हो यहाँ पर, और तीसरा टारगेट आपको सॉरी 9872 और 962, यहाँ तक भी आपको टारगेट देखने को मिल सकता है। अगर रेजिस्टेंस देखा जाए तो 1005 का आपका रेजिस्टेंस है, जैसे ही 1005 क्रॉस करता है ऊपर के लिए आप लोग बाय कर सकते हो। पहला टारगेट रहेगा 1018.35 पैसा, दूसरा टारगेट रहेगा 1029, तीसरा रहेगा 1040। याद रखिए अगर टाटा स्टील 1005 के ऊपर सस्टेन करता है बाय कर सकते हो। पहला टारगेट रहेगा 1018.35 पैसा, 1029, 1040, यहाँ तक भी टारगेट हो सकता है। आई होप गाइस जितने भी लेवल्स थे मैंने सारे आपको बता दिया हूँ, आप लोग लिखे होंगे, अगर लिख नहीं लिखे हैं तो काइंडली लिख लीजिए, क्योंकि कल मार्केट में काम करने के लिए आपके पास लेवल्स की ज़रूरत है। तो अगर आप लोग चाहते हो तो इंट्राडे पर अच्छा पैसा कमाने के लिए तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, आपको इंट्राडे पर हर लेवल्स में बताता हूँ। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए भी चाहते हो तो लॉन्ग टर्म के लिए भी हम लोग अभी वीडियो लाने वाला है, काफ़ी सारे स्टॉक्स अभी नीचे आ गए हैं तो हम लोग कुछ स्टॉक्स के ऊपर अभी इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर सकते हैं थोड़ा बहुत, और आपको काफ़ी कम दिन में एक अच्छा रिटर्न आपको मिल सकता है। तो गाइस वीडियो अगर अच्छा लगता है चैनल को सब्सक्राइब तुरंत कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके रखिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।